हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, तो ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं हूँ फाजिल्का पंजाब में। बहुत छोटा सा जो है ये सिटी है पंजाब में, स्मॉल टाउन है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर। तो गाइज, जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जो है जहन में आता है यहाँ वाघा बॉर्डर, अमृतसर। लेकिन गाइज, मैं एक बार आपको और बता दूं कि इंडिया में सिर्फ 3 जगह ही फ्लैग ऑफ सेरेमनी होती है। पहली होती है वाघा बॉर्डर अमृतसर, दूसरा है हुसैनी वाला फिरोजपुर, और तीसरा है फाजिल्का सादकी चौकी। सो हम अभी सादकी चौकी जा रहे हैं, फाजिल्का से 13 किलोमीटर दूर। चलो चलते हैं, लेट्स मूव। तो गाइज, अभी हम सादकी चौकी पहुंच गए हैं, ये पहला चेक पॉइंट है। इसके साथ में ही पार्किंग है, तो अभी हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे और पार्किंग से ही आपको फेंसिंग वगैरह दिखनी शुरू हो जाएगी। तो गाइज, ये जो है चेकिंग पॉइंट है यहाँ पे, और ये फेंसिंग है, तो हमें फेंसिंग के बाहर जाना है। अगर देखोगे ना, ये पूरी फेंसिंग है, तो हम फेंसिंग उस तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो? तो यहाँ से एंट्री होगी। ये फेंस है, इनकी हम पार आ चुके हैं, देख लो। ये पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा है, ये फेंसिंग, फेंसिंग पीछे है, हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी होगी अभी, क्योंकि म्यूजिक बंद है, म्यूजिक चल जाएगा तो मेरी आवाज भी नहीं आएगी। तो ये रहा पाकिस्तान का, ज्यादा दूर नहीं है, ये देख रहे हो। Thank you.
हम आए हैं आसफ वाला वॉर मेमोरियल में। जी आसफ वाला वॉर मेमोरियल की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस जगह के साथ जुड़ी हुई। 1971 की जो इंडो पाक वॉर हुई थी उसके बारे में आप जानते होंगे। उसके अंदर फाजिला क्योंकि हमारा बॉर्डर टाउन है, भी अपने साथ की चौकी देखी करण भाई के साथ। अब हम जहां पर हैं ये एक स्मारक बनाया गया है उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बाउंड्री की रक्षा करते हुए फाजिलका शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, वो देश के सर्वोच्च बलिदान करने वाले व्यक्ति जिनके बारे में शायद हम बोलते हैं सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, उनके एक स्मारक स्थल पर आए हैं। मैं करण भाई को कहूंगा आपको दिखाएंगे। ये हमारा अस्थि स्थल है उन वीर जवानों का जिन्होंने शहादत दी थी 1971 में। बहुत सारे शहीद हुए यहां पर, बहुत सारे शहीद हुए। इसके अंदर जो मुख्यतः रही भूमिका जो रही जो यहाँ पे बटालियंस थी जिन्होंने काम किया था उनके हमने स्मारक बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं असम रेजिमेंट का एक स्मारक अलग से बना हुआ है, यहाँ पे 15 राजपूत का एक अलग से बना हुआ है, चार जाट का एक अलग से बना हुआ है। तो ये जो मेन बटालियंस थी जिन्होंने यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान दिया यहाँ पे अफसरों ने। और इसके अंदर आपको मिलेगा एक म्यूजियम भी बना रखा है यहाँ पे जिसके अंदर पूरा इतिहास बताया गया 1971 वॉर का, जो इस एरिया में जो वॉर लड़ी गई थी और किस प्रकार से हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। हम जो है फौजी हैं उनके बारे में जो विचारधारा है वो किस प्रकार के हमारे यहाँ के फौजी भाई रहे हैं, हमारी जो सेनाओं में जो लोग रहते हैं वो उनके शौर्य के ऊपर एक कल्पना थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि फतेह खुद को बिछा लेती है, फतेह खुद को बिछा लेती है जहां हम कदम रखते हैं, फतेह खुद को बिछा लेती है जहां हम कदम रखते हैं, हम वो हैं जो सूरज को बुझाने का दम रखते हैं। फतेह खुद को बिछा लेती है जहां हम कदम रखते हैं, हम वो हैं जो सूरज को भी बुझाने का दम रखते हैं। एक चिड़िया भी समंदर को डरा सकती है, एक चींटी भी हाथी को हरा सकती है, भूखे भेड़ियों से भी भिड़ने का हुनर हम रखते हैं, हम वो हैं जो सूरज को भी बुझाने का दम रखते हैं। हम पत्थर फेंक आसमां को भी चीर डालें, हम पत्थर फेंक आसमां को भी चीर डालें, चाहे तो तूफानों को भी जंजीर डालें, बिजलियों से भी उलझें, हौसला कहां कम रखते हैं, हम वो हैं जो सूरज को भी बुझाने का दम रखते हैं। हमसे जो उलझा तो याद रखना खाक हो जाएगा तू, हमसे जो उलझा तो याद रखना खाक हो जाएगा तू, हम वो आग हैं जिसे छू लेगा तो राख हो जाएगा तू। जान हथेली पे रखते हैं, दिल में वतन रखते हैं, हम वो हैं जो सूरज को भी बुझाने का दम रखते हैं। माने एक शेर जना है नपुंसक नहीं पैदा किया, माने एक शेर जना है नपुंसक नहीं पैदा किया, जिगर फौलाद रहे ऐसा सदा आशीष दिया, आदर्शों में भगत आजाद और उधम रखते हैं, हम वो हैं अमन जो सूरज को भी बुझाने का दम रखते हैं, हम वो हैं अमन जो सूरज को भी बुझाने का दम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।